हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दुर्गा रेसिपीज में। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि के लिए व्रत की थाली। तो मैं बना रही हूँ लौकी पुलाव, चना भुना मसाला और आलू की सब्जी बना रही हूँ और पूरी अभी बना रही हूँ। बिना प्याज लहसुन की रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पुलाव के लिए यहाँ पे लिए है लौकी, यानी लौकी की पुलाव बना रही हूँ। ज़्यादा तो क्वांटिटी में मैंने लौकी लिए है, इसे इस तरह मोटे मोटे हिस्सों में कट कर कर लिए है, क्योंकि लौकी जल्दी पक जाती है ना, इसलिए इस तरह इसे कट कर कर लिए है। थोड़े से गाजर इसमें ऐड किए हैं कट कर कर, और थोड़े से कॉलीफ्लावर लिए हैं, और यहाँ पे लिए हैं थोड़े से इसमें ऐड किए हैं शिमला मिर्च, और इसके लिए टमाटर लिए है एक कट कर कर लिए है, एक टमाटर, एक कप राइस लिए हैं। आप चाहे तो इसमें बासमती राइस ऐड कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिए हैं वाड़ा कोलम राइस यहाँ पे लिए हैं, और यहाँ पे लेमन कलर लिए हैं, 5 चम्मच लेमन कलर इसमें ऐड किए हैं, थोड़ा सा दूध में। 3 हरी मिर्च लिए हैं, थोड़े से गिले कोबरे लिए हैं यहाँ पर, और 1 इंच अदरक लिए थे, इस तरह से कट कर कर लिए हैं, थोड़े से करी लीव्स लिए हैं। आलू की सब्जी बनाने के लिए एक आलू इसे इस तरह से नमक और हल्दी डालकर इसे पका कर लिए हैं, और भुना हुआ चना बनाने के लिए यहाँ पे लिए हैं 1 कप चना, और मूंग थोड़े से इसमें ऐड कर कर भिगो कर रखे थे, इसमें नमक और हल्दी डालकर पका कर लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लौकी पुलाव बना कर ले लेंगे। पुलाव को मैं कुकर में बना रही हूँ, तो चूल्हे पर कुकर चढ़ा दिए हैं। कुकर में ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच ऑयल, तो ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है, साथ में ऐड कर देते हैं 1 चम्मच घी। घी हल्का सा मेल्ट हो चुका है, अभी इसमें ऐड करेंगे कड़े मसाले। तो कड़े मसाले में मैंने लिए हैं 1 तेज़पत्ता, 1 मसाला इलायची, 2 हरी इलायची और 2 लौंग लिए हैं, अदरक इसमें ऐड कर देंगे, हरी मिर्च को भी साथ में ऐड कर देते हैं। अब इसमें ऐड करते हैं टमाटर, इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर। तो सभी मसाले ऐड कर अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे सब्जी। अब इसमें ऐड करते हैं नमक, स्वाद अनुसार नमक इसमें ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करके ले लेते हैं। अच्छे से मिक्स करके ले लिए हैं। अब इसे 2 मिनट के लिए बिना सीटी के इस पे ढक्कन ढककर रखेंगे, सब्जी जो है हल्का सा पक जाए। 2 मिनट के लिए ढक के रखे थे, तो सब्जी हल्का सा पक चुका है। अब इसमें ऐड करते हैं चावल। चावल को अच्छे से 2 से 3 बार इसे अच्छे से वॉश कर ले लिए हैं। अब इसमें ऐड कर देती हूँ, अब इसमें पानी ऐड कर देती हूँ। तकरीबन 3 कप मैंने इसमें पानी ऐड किए हैं, ज़्यादा ऐड नहीं किए हैं। अब इसमें ऐड कर दी हूँ गीले खोबरे जो मैंने किस कर लिए थे, थोड़े से इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स करके ले लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे कुकर के ढक्कन ढककर इसे अच्छे से पका कर ले लेंगे। पुलाव के मैंने 2 से 3 सीटी देकर पकने के लिए रखे थे। देखिए पुलाव रेडी है। लेमन कलर मैंने ऐड किए थे 2 चम्मच दूध में, तो इसमें ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा इसमें धनिया के पत्ते ऐड करेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे, और हल्का सा इसे भाप देने के लिए इसे ढक के रखेंगे। 2 मिनट के लिए ढक के रखे थे। फ्राईपैन चढ़ा दिए है चूल्हे पर। अब इसमें ऐड करती हूँ 1 चम्मच ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है, अब इसमें ऐड करती हूँ 1/2 चम्मच जीरा, साथ में ऐड करेंगे हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च कट कर कर लिए थे, हरी मिर्च थोड़े से ऐड करेंगे। अब इसमें
पाव चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार उसमें नमक ऐड करेंगे। हमने पहले से आलू उबलते वक्त नमक और हल्दी डालकर पका कर लिए थे, इसलिए इसमें थोड़ा सा इसमें ऐड किए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे पका कर लिया आलू, इसे इस तरह कट कर ले लिए थे, ऐड कर रहे हैं। अब इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इस पैक करेंगे थोड़े से गीले खोबरे। तो ये रेडी हो चुका है। अब इसमें गार्निश के लिए धने के पत्ते ऐड करेंगे। आलू की सब्जी रेडी हो चुका है। अब इसे चूल्हे से हटा देते हैं और अब बनाएंगे भुना हुआ चना मसाला। भुना हुआ चना मसाला बनाने के लिए यहाँ पर छोटा सा पैन चढ़ा दिए हैं चूल्हे पर। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, इसमें आधा चम्मच से भी कम ऑयल इसमें ऐड करेंगे। साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा घी। घी मेल्ट हो चुका है और हल्का सा गर्म भी हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच जीरा, एक लाल मिर्च, थोड़े से करीलीस इसमें ऐड करेंगे। ऐड करेंगे पाँच चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, पाँच चम्मच गरम मसाला। हम इसे अच्छे से भून लेंगे और साथ में ऐड करेंगे चने जो हमने उबाल कर लिए थे। चने ऐड कर अच्छे से भून लिए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे। पका कर लेते वक्त इसमें नमक ऐड किए थे, इसलिए थोड़ा सा इसमें ऐड कर रही हूँ। चने रेडी हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे धनिया के पत्ते गार्निश के लिए और ऐड करेंगे गीले खोबरे जो हमने किप कर लिए थे। चूल्हे के पत्ते हैं ऑफ। चना भुना मसाला रेडी हो चुका है। ये चने खासकर भगवान के भोग के लिए बनाया जाता है नवरात्रि में। यानी हमें आपको अगर कभी खाना का मन हो तो इस तरह इसे बना सकते हैं। और जो मैंने पंजाबी गरम मसाला इसमें ऐड किए हैं उसकी रेसिपी मैंने शॉर्ट में डाले हैं, तो उसके लिंक मैं इस वीडियो में शेयर कर दूंगी। ये देखिए रेडी हो चुका है। अब इसे चूल्हे से हटा देते हैं। तो पूरी के लिए मैंने यहाँ पर डो तैयार कर ले लिए हैं। तो आटा लिए थे आधा किलो और उसमें ऐड किए हैं एक चम्मच घी, स्वाद अनुसार नमक, आधा कप दूध और पानी ऐड कर मैंने अच्छे से डो तैयार कर ले लिए हैं। जैसे हम नॉर्मल चपाती बनाने के लिए डो तैयार करते हैं इसी तरह मैंने डो तैयार कर ले लिए हैं। गेहूं के आटे से ही मैंने डो तैयार कर ले लिए हैं। तो चलिए अभी पूरी बनाने की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोटा ही आटा लिए हैं थोड़ा सा। रोटी को थोड़ा मोटा ही बेलेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करने हैं। थोड़ा सा मोटा ही रखे हैं, ज़्यादा पतला नहीं किए हैं और इस वाटी के माध्यम से इसे शेप देंगे। ये देखिए और बाकी के भी पूरे इसी तरह रेडी कर ले लेंगे। पर हमने सभी पूरे रेडी कर ले लिए हैं। तो चलिए ऑयल में डीप फ्राई कर ले लेते हैं। कढ़ाई में ऑयल डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिए थे, ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें पूरे डीप फ्राई कर ले लेंगे। पूरे डीप फ्राई करते वक्त इसे ऊपर से इस तरह से ऑयल हल्का सा डालना है ताकि पूरे अच्छे से फूल जाए।
ये देखिए इस तरह से हल्का सा सुनहरे कलर होने तक पूरे को डीप फ्राई कर लेना है। ये देखिए इस तरह से सुनहरे कलर होने तक डीप फ्राई कर लेना है और बाकी के भी पूरे इसी तरह डीप फ्राई कर लेंगे। व्रत की थाली के लिए खाना रेडी है। यहाँ पे पुलाव बनाए हैं, यहाँ पे चना भुना मसाला है, यहाँ पे आलू की सब्जी और यहाँ पे मैंने पूरी रेडी कर ले लिए हैं। ये थाली रेडी कर ले लेंगे। तो बिना प्याज लहसुन के व्रत की थाली की रेसिपी मैंने स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर किए हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।